प्रेजेंट हियर। चलो बेटा प्लीज ओपन योर मॉड्यूल डेसिमल्स मॉड्यूल 5। लेट अस स्टार्ट। इन क्वेश्चंस को हमने बहुत केयरफुली करना है। होल्ड योर पेन, नोटबुक खोल के रखो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू। ये मैं इरेज करती हूँ बिकॉज इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि डेसिमल्स को कहाँ ऊपर और नीचे कैसे लिखना है। ओके एमसीक्यू क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ राइट डाउन यहाँ पे 98. दिस इज 87 प्लस 1.13। दिस इज इन ब्रैकेट। जो भी टर्म ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। मल्टीप्लाई बाय 0.0063। यू हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। ओके अब जब भी आपके पास डेसिमल नंबर आ जाता है, पहले जो फ्रैक्शन नंबर आता था आपको स्ट्रेंज लगता था उसको देखने में, फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर को देखने में पता कि ये न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे नंबर है, कैसे प्लस करेंगे कैसे माइनस करेंगे। ऐसे ही ये डेसिमल नंबर थोड़ा सा आपको अजीब से लगते हैं, ठीक है, डिफरेंट देन नॉर्मल नंबर्स। अब डेसिमल्स को हमने कैसे डील करना है, आपको डेसिमल्स को नॉर्मल नंबर की तरह ही ट्रीट करना है। ओके बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये सेम नंबर्स ही हैं और कुछ खास नहीं है। उसको प्लेस कैसे करना है डेसिमल को, दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू रिमेम्बर। अब आपको पता हुआ है, आपने सिक्स क्लास में भी पढ़ा हुआ है, सेवन्थ में भी दोबारा आई थिंक रिवाइज किया होगा काफी चैप्टर्स में, इंटीजर्स में भी रिवाइज किया था कि वी हैव टू अप्लाई बॉड मास। जब भी ब्रैकेट आ जाती है तो बॉड मास के अकॉर्डिंगली हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ओके जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो प्लीज फाइंड आउट, जो बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं जिनकी नोटबुक खुली हुई है, 9.87 प्लस 1.13, 1.13, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू राइट। आपका रफ कॉलम बेटा रेडी होना चाहिए साथ में, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपने डेसिमल कहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आपका डेसिमल है 1.13, जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे जीरो लिख दो। जैसे आपको पता है कि 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है, उसके नीचे जीरो लिख दो। बट जीरो लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है खाली प्लेस पे, उससे आपको ये पता चलेगा कि जो नंबर जो है लिखा हुआ है वो आपको, कई बच्चे क्या करते हैं 9 को 1 से प्लस कर देते हैं जबकि वो 8 के नीचे है, ठीक है। जैसे ही आप खाली स्पेस को जीरो से कवर कर दोगे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ओके प्लीज एड इट और मेरे को बताओ कितना आ रहा है। एडिशन 40 है, 100.00। वेरी गुड। तो अब आपको पता है डेसिमल के बाद जब जीरो होता है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं होती है यस मैम। ना। कोई भी नंबर आपके पास है, अगर मेरे पास यहाँ पे 9 लैक्स है सपोज, तो मैं इसको 9,00,000 भी लिख सकती हूँ। 9 लैक्स की मतलब लैक्स की वो जीरोस लिख के 5 जीरोस लिख के 0.00 भी लिख सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, यस हम 7G को भी ज्वाइन कर लो। 7G को। यस ओके जी आए नहीं बच्चे, आई कांट सी हियर ऑन द स्क्रीन। मैम कर रहे हैं ज्वाइन, हो आप रिमूव करी जा रहे हो। तो 9D है, 9D था। 9D था वो बेटा, 9D था, B था वो, उनको हमने ट्रांसफर कर दिया स्टूडियो 1 में जी। मैम 7G यस मेरी स्क्रीन पे आया ही नहीं जी सेक्शन, जी सेक्शन मुझे दिखे ही नहीं अभी तक बेटा। ए बी सी डी ई एफ, 9th वाले एक दो बार आए हैं, उनको हमने ट्रांसफर किया है स्टूडियो 1 में। ओके मैम। ये जी सेक्शन एवरीडे बैठते थे बेटा। यस ओके जी सेक्शन को चलो। ओके विल स्पीक टू देम। बच्चे बैठो, आप इधर कॉन्सेंट्रेट करो, अभी देखते हैं उनको। ओके आप कंटिन्यू करो बेटा इसको। तो दिस ब्रैकेट इज 100। ओके एवरीबडी सॉल्व, तो लेट अस रिमूव इट, इसको खत्म कर देते हैं अभी आपका। और वैसे आपने रफ कॉलम एक बना के रखना है साइड पे बेटा, आपको कुछ नहीं रिमूव करना, साइड पे एक रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे आपके पास आ गया 100 × 0.0063, ठीक है। आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको बेटा पता है कि जब आप 100 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो डेसिमल नंबर है वो, यहाँ पे 2 जीरोस हैं तो वो 1-2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा वहां से।
राइट साइड पे चला जाएगा. ओके तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा 0.63 या फिर 0.63, कुछ भी लिख लो, 0.63 या फिर 0.63. द थिंग इज आपका डेसिमल बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए, पॉइंट दिखना चाहिए आपको. ओके बेटा, दैट इज यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपकी बार बार आगे काम आएगी, अगर किसी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 7.31 है, तो वो डेसिमल जो है वो एक प्लेस आगे चला जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड पे, इट विल बी 7.31. इज इट क्लियर? अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो डेसिमल है वो टू प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, यहां से इधर चला जाएगा, इट विल बी 7.31.0. इज इट क्लियर? 1000 से करोगे तो 3 0 जो है वो आगे चला, 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा. 100 से करोगे तो उसमें 2 0s है, 2 प्लेसेस ट्रांसफर हो जाएगा. प्लीज रिमेम्बर, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो वो डेसिमल जो है वो राइट साइड पे उतनी प्लेसेस आगे चला जाता है. इसी तरह अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज हमारे पास 7.31 है डिवाइडेड बाय 10, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल हमारा लेफ्ट साइड पे चला जाता है. अब यहाँ पे सिंग एक जीरो है तो कितनी प्लेस लेफ्ट साइड पे जाएगा, एक प्लेस से, वन वन प्लेस से. अगर हमारे पास नीचे 100 होता, 7.31 है नीचे 100 होता, तो वो 2 प्लेसेस आगे जाना था. अब यहाँ पे वन और एक जीरो हमें खुद लगा देती हूँ, तो यहाँ पे बना था 0.0731. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेसिमल में ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी जो है प्लेसमेंट कैसे होती है मल्टीप्लाई करने से और डिवीजन करने से. एनी डाउट इन दिस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी. किसी को प्रॉब्लम है, किसी को डाउट लग रहा है, क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं ये सब. नो वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं. तो इसका आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है बेटा, बी ऑप्शन. ऑप्शन. वेरी गुड, तो फर्स्ट क्वेश्चन की हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, 0.63. ओके सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज इफ 76.81 इंटू 0.082 इज इक्वल टू 6.298. ये हमें गिवन है. जब इफ बोलते हैं ना कि इफ दिस इज इक्वल टू 6.298, तो ये गिवन है, तो हमने वैल्यू निकालनी है 76.81 अच्छा इंटू 82, इसकी वैल्यू आपको निकालनी. ये क्वेश्चंस बेटा आपको बहुत ही केयरफुली करने हैं. आपको आंसर दिया हुआ है यहाँ पे 76.81 इज मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 6.298. ठीक है, ओके. वन थिंग आई मस्ट टेल यू, रफ कॉलम बेटा, जब आप ये इनको मल्टीप्लाई करते हो ये वाले नंबर्स को, 7681 इंटू 82 को, तो आपका जो नंबर आता है ना वो आता है 6.29842. थोड़ा सा बिगर नंबर आता है ये इन जनरल, आप जब करके भी देखोगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओनली 6.298 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल के ना बाद जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, उनको हम कम भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से. जैसे आपको पता होगा कि जब आप डिवाइड करते हो कोई भी नंबर, ठीक है, अगर आपका आंसर आ रहा है कि 3.1512, तो इसको आंसर आप 3.15 भी लिख सकते हो, तो मैम आपका करेक्ट कर देते हैं कि यस दिस इज ऑल राइट. ओके, इसका मतलब जो डेसिमल के बाद आपके पास 4 डिजिट्स हैं या 5 डिजिट्स हैं, अगर आप उसको यहां तक भी लिखोगे ना आंसर फॉर्म में, या फिर 1.5 तक भी लिख रहे हो, देन आंसर इज करेक्ट, क्योंकि वो छोटे छोटे डिजिट्स हैं, 0.5, 0.1, 0.2. ओके, तो
सेम वे अभी मैथ्स में आपके पास मैंने बताया कि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक्चुअली ये वाला नंबर आ रहा है. तो उन्होंने हमें वर्कशीट में दिया है कि दिस इज 6.298. चलो ठीक है, हमने ये काउंट ही नहीं किया ये वाला 42 इसमें से. ओके नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.68182. आपको दिख रहा है कि नंबर तो सेम ही है, 7681 7681 8282. दिख रहा है आपको नंबर सेम है, तो यस आंसर तो सेम ही आएगा. बट हमें अभी डेसिमल का है कि डेसिमल कहाँ आएगा. यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेसिमल वॉज 1 2, सिर्फ टू प्लेसेस के बाद है. तो टू प्लेसेस पे अगर मैं काउंट करूं तो इट इज 1 2, यहाँ पे आपका डेसिमल आना चाहिए. इज इट? तो हमारा आंसर क्या होगा, 6298. इज इट क्लियर? तो यस मैम. हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है बेटा? जी ऑप्शन ऑप्शन. प्लीज इसको नोट कर लो और ये रफ में ये भी लिख लो, आपको ये इससे ही समझ आएगा कि हमारा वो डेसिमल कहाँ से आया. यू विल कम टू नो आफ्टर होल मल्टीप्लीकेशन वाई दिस आंसर इज 6298. सो आर ऑप्शन इज बी. बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके ऑल राइट. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड इज अ सोशल सर्विस ग्रुप बायस 57.25 kg ऑफ राइस. ओके फर्स्ट सेंटेंस इज सेइंग कि सोशल सर्विस बायस टोटल राइस कितना परचेज करते हैं. टोटल राइस इज इक्वल टू 57.25 kg एट ₹12 per kg. कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन. कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ सेक्शन डी 7D. आपको पता चले बेटा ये वी आर डूइंग थर्ड क्वेश्चन. 7D रेज योर हैंड. वी आर डूइंग थर्ड क्वेश्चन. पता चल गया आपको? ऑल राइट ठीक है. तो हमारे पास राइस कितने थे, 57.25 kg एंड राइस एट ₹12 per kg. 1 kg का कॉस्ट कितना है, 12, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली अमंग 152 पुअर पीपल. अब इतने पूरे केजी जो राइस है दैट इज इक्वल टू, मैं पहले यहाँ पे ₹12 लिख दू. तो पूरे जो राइस है 57.25 kg, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 152 पुअर पीपल के अमंग. ठीक है. वॉट वॉज द कॉस्ट ऑफ द राइस दैट ईच पर्सन गॉट. हमें हर एक पर्सन की क्या फाइंड आउट करनी है कि उनको कितने कॉस्ट ऑफ राइस मिला. क्वांटिटी ऑफ राइस नहीं पूछ रहे हैं, वो केजी में नहीं पूछ रहे हैं, वो कॉस्ट पूछ रहे हैं कि हर एक बंदे को कितने रुपीज का राइस मिला. ठीक है फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ 1 kg इज 12 rupees. तो कॉस्ट ऑफ, वी कैन फाइंड कॉस्ट ऑफ होल राइस 57.25 kg का राइस का कितना कॉस्ट होगा. हु विल टेल मी, क्या करोगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड. लेट मी कॉल द नेम. नवप्रीत सिंह 7C. 7C नवप्रीत सिंह आर यू प्रेजेंट. मेरे को ये बताओ इसमें मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे. मल्टीप्लाई क्योंकि हमें इसे ज्यादा क्वांटिटी है. चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो. सबको पता है कैसे आता है ये डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन. यू विल नॉट शाउट टुगेदर. ठीक है मैं नेम बताऊंगी, अभी मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ, सबको मल्टीप्लाई करना आता है. आई विल कॉल द नेम, फिर आपने रिप्लाई करना है. Yes, I am waiting. जिसका हो गया है सिर्फ हैंड रेज करना है आपने. ओके वेरी गुड. सिर्फ हैंड रेज करना है.
मैं भी अपना रफ कॉलम बना रही हूँ, ठीक है, मैं भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ, आप भी करो, देन यू कैन चेक कितना आएगा. यस, वेरी गुड. जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना बेटा, उसको दो बार चेक कर लो. ओके यस, वेरी गुड. मेरे को कई बच्चों के हाथ दिख रहे हैं, वेरी गुड. चलो मैं अभी पूछती हूँ. 7B, गुरजिंदर सिंह. जी के चक्कर में हो रहा है सारा, जी के चक्कर में हो रहा है, जी का प्रॉब्लम हो रहा है.